गाइस दिस इज मोहित अहरवार और आज अपन देखने वाले हैं जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है वहाँ पे इनहिबिशन किस तरह से होता है। साइनेप्टिक जो अपन के साइनेप्स होते हैं दो न्यूरॉन के बीच में, वहाँ पे जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है तो वहाँ पे अपन को इनहिबिशन करना होता है इस इम्पल्स का। क्यों करना होता है? मान लीजिए अपन को कोई पेन से रिलेटेड कोई सेंसेशन जा रहा है, अपन को कोई सर्जरी हो रही है, एनेस्थीसिया देकर अपन क्या करते हैं उस पेन को कम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं साइनेप्स से इनहिबिशन ही करवाते हैं ताकि कम से कम इम्पल्स जा पाए। तो इस तरह से अपन को इनहिबिशन रिक्वायर्ड होता है। अब किस किस तरह से हो सकता है वो थे 5 तरह से, पोस्ट साइनेप्टिक या डायरेक्ट इनहिबिशन। तो पोस्ट साइनेप्टिक मतलब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होने वाला है, इसको क्या बोल देते हैं अपन लोग डायरेक्ट भी बोलते हैं। डायरेक्टली अपन पोस्ट साइनेप्टिक से कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए डायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि दूसरे अपन के चेंजेस कहाँ पे होने, फाइनली ACH कहाँ पे आता है, पोस्ट साइनेप्टिक पे आता है। तो अपन सीधे पोस्ट साइनेप्टिक कुछ दिक्कत कर दो तो बस अपन का क्या होता है इम्पल्स का ट्रांसमिशन रुक जाएगा। या फिर अपन क्या कर सकते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कुछ दिक्कत कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट इनहिबिशन। फिर नेगेटिव फीडबैक और रेंसो सेल इनहिबिशन। रेंसो सेल इनहिबिशन मतलब ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं अपन के स्पाइनल कॉर्ड में, जो क्या करती हैं अपन ने लुईस नर्व पर रिस्पॉन्स पड़ा होगा ना, वो एक एक और कोलेटरल ब्रांच से जाके वो क्या स्टिमुलेशन करवाता है, उसी तरह से ये भी होता है। फिर होता है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन मैंने फीड फॉरवर्ड आपको पहले से बताया था, अपन क्या पढ़े थे होमियोस्टेसिस पढ़े थे, वहाँ पर फीड फॉरवर्ड टर्म बताई थी मैंने आपको, ठीक है। फिर क्या होता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या होता है ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं पोस्ट साइनेप्टिक या डायरेक्ट इनहिबिशन। तो पोस्ट साइनेप्टिक या डायरेक्ट इनहिबिशन मतलब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हो रहा है। अभी ये होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर से। देखिए अभी अगर ACH रिलीज हो रहा है मतलब एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, तो अपन एसिटाइल कोलिन के अलावा कुछ और कर दो जो इनहिबिशन करवाता हो, जैसे कि गावा। तो गावा क्या करवाता है? इनहिबिशन करवाता है, ठीक है। तो इट अकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। तो देखिए न्यूरोट्रांसमीटर अगर अपन ने इनहिबिटरी रिलीज करवा दिया तो अपने आप इनहिबिशन हो जाएगा। अब इनहिबिशन क्यों करवाता है? क्योंकि देखिए एसिटाइल कोलिन था वो क्या करवा रहा था, सोडियम चैनल ओपन करवा रहा था, तो ये क्या सोनल का पूजा सोडियम का पूजा क्या पोटेशियम चैनल अपन करवा देगा, तो क्या होगा एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो ही नहीं पाएगा। तो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से गाबा रिलीज होने की वजह से क्या होता है इनहिबिशन होता है, ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट इनहिबिशन। अब इसमें होता क्या है सबसे पहले अपन देखेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर क्या होता है। अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है ये वहाँ पे भी आया था। ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स इन प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है कैल्शियम चैनल भी ओपन हो गए। अब क्या होगा इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम ECF इनटू एक्सॉन टर्मिनल। तो एक्सॉन टर्मिनल में क्या हो गया अपन का कैल्शियम आयन का इसी एक्सॉन टर्मिनल में चले गए, वेसिकल्स की ओपनिंग हो गई, और फिर क्या हुआ अपन का गाबा रिलीज हुआ। वहाँ पर क्या रिलीज हुआ था? एसिटाइल कोलिन, ठीक है सिंपल जो ट्रांसमिशन में। अब पैसेज ऑफ गाबा थ्रू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब क्या होगा पैसेज हो गया इसका, ये कहाँ पे हुआ अपन का साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब फॉर्मेशन होगा गावा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का, जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं अपन की पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे उनसे अपन का गावा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये गावा क्या करवाता है? दो चीज़ें करवाता है, एक तो करता है ओपनिंग ऑफ पोटेशियम एंड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम इंटू ECF। तो पोटेशियम चैनल्स को ये चैनल्स थे पोटेशियम चैनल्स को क्या कर देता है खोल देता है, जिससे क्या होता है इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम इंटू ECF में हो जाता है। और ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन, तो इनको क्या करता है इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन इंटू न्यूरोन। तो देखिए नेगेटिविटी इसको अंदर की तरफ ला रहा है और पोटेशियम को बाहर की तरफ ले जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इंक्रीज होने वाली है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। डीपोलराइजेशन करवाना था जब ये हो गया हाइपर पोलराइजेशन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोन पे क्या हो रहा है मोर नेगेटिविटी इन साइड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोन, इसको हाइपर पोलराइजेशन या इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, इससे क्या हो जाएगा इनहिबिशन ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है इनहिबिशन हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं पेन में कोई भी सेंसेशन जा रहा है उसको अपन क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। दूसरा अपन का होता है प्री साइनेप्टिक या इनडायरेक्ट इनहिबिशन। इसमें क्या कर सकते हैं अपन लोग एक्शन पोटेंशियल ही कम कर दो, अगर एक्शन पोटेंशियल कम किया तो कैल्शियम कम आएगा, और कैल्शियम कम आएगा तो कम न्यूरो ट्रांसमीटर जा पाएगा, तो इस तरह से वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ साइनेप्टिक इनहिबिशन दैट अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल टू रिलीज सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस। तो ये सबसे सफिशेंट क्वांटिटी में क्यों नहीं रिलीज हो रहा? क्योंकि कैल्शियम रिलीज ही नहीं हुआ, कैल्शियम अंदर नहीं आ पाया तो उसकी परमिटिविटी इंक्रीज नहीं हो पाई मेम्ब्रेन की। अब ये किस किस वजह से कम हुई? तो मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल आएगा उतना ज़्यादा कैल्शियम अंदर एंटर होगा, ठीक है। तो मीडिएटेड बाय एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स इन स्पाइनल कॉर्ड। तो मैकेनिज्म क्या होती है इसमें? इन दिस इनहिबिटेड न्यूरॉन इनहिबिशन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इन डिक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होता है एक्शन जो अपन का एक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है वो कम हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया बहुत कम एक्शन पोटेंशियल होता है और कैल्शियम इन्फ्लक्स क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज ऑफ फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो अपन क्या होता है न्यूरो ट्रांसमीटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रिलीज होने लगती है, इसकी वजह से क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एंड प्लेट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल
इससे क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंड प्लेट साइनेप्टिक पोटेंशियल एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और क्या हो जाता है अपन का, साइनेप्टिक इनहिबिशन हो जाता है। तो इस तरह से अपन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या करवा सकते हैं कि कम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवा के भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इंपल्स को। तो ये अपन यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से प्री साइनेप्टिक इनहिबिटर न्यूरॉन है, इसने क्या किया एक्शन पोटेंशियल को, इसमें एक्शन पोटेंशियल क्या कर दिया होगा, इसने कम कर दिया होगा। इससे क्या होगा, कम कैल्शियम अंदर एंटर किया होगा, इससे बहुत कम यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, लेस, बहुत लेस अमाउंट में। इससे क्या हो गया अपन का, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन हो जाता है। अब अपन देखते हैं रेंसो सेल और नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। अपन ने, मैंने आपको बताया था ल्यूसपिल रिस्पॉन्स में, वहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया था कि किस तरह से जो कोलेटरल फाइबर्स होते हैं उनसे क्या होता है, वापस से सिग्नल किसी दूसरे वहाँ पे जा सकता है, क्योंकि दूसरा उसी सिग्नल को ट्रांसमिशन करते टाइम एक और ब्रांच आ जाती है, वो ब्रांच क्या कर सकती है, वापस से उसी ऑर्गन तक सिग्नल ले जा सकती है। तो इसी तरह से कुछ इसमें होता है, इन इट 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 इज़ द टाइप ऑफ इनहिबिशन विच इज कॉज्ड बाय रेंसो सेल्स इन स्पाइनल कॉर्ड। तो रेंसो सेल्स पाई जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उनकी वजह से इनहिबिशन होता है, इसको बोलते हैं रेंसो सेल इनहिबिशन। रेंसो सेल्स आर स्मॉल मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट इन एंटीरियर ग्रीहॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर ग्रीहॉर्न होता है, वही अपन आपको मैं बताऊंगा, स्पाइनल कॉर्ड होती है जो, तो स्पाइनल कॉर्ड में किस तरह से एंटीरियर ग्रीहॉर्न होता है, पोस्टीरियर ग्रीहॉर्न होता है, मैं इस तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसमें एंटीरियर ग्रीहॉर्न पोस्टीरियर ग्रीहॉर्न बताऊंगा मैं, तो किस तरह से ये चीज़ें होती हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये नाम याद कर लो, एंटी ग्रेहॉन। तो एंटी ग्रेहॉन में ये रेंसो सेल होती है, तो क्या करती है, अल्फा मोटर न्यूरॉन की तरफ सिग्नल का ट्रांसमिशन करती है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपन का एंटी ग्रेहॉन है, ये क्या कर रहा है, सिग्नल ट्रांसमिशन करता है अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अब क्या होगा, ये नर्व है, ये न्यूरॉन है, अल्फा मोटर न्यूरॉन ये नर्व है, तो नर्व क्या कर रही है, ऑर्गन तक अपन का सेंसेशन कर, वो इंपल्स आया है जो अपन के सीएनएस को, उसको भेज रही है, ठीक है। वो कौन सा इंपल्स है, मोटर इंपल्स है, मोटर इंपल्स को भेज रही है। लेकिन यही वाला क्या होता है, कुछ इंपल्स इस कोलेटरल फाइबर्स के थ्रू रेंसो सेल तक पहुंचते हैं, और रेंसो सेल क्या कर देती है, उसका इनहिबिशन कर देती है। तो इस तरह से क्या होती है, कमांड कम हो जाती है, कौन करवाता है अपन का, रेंसो सेल करवाती है। तो इस तरह से भी अपन लोग इनहिबिशन करवा सकते हैं। अब आता है अपन का फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। फीड फॉरवर्ड मतलब पहले से जो होने वाला है उसके पहले से ही कंट्रोल कर लेना, तो कहलाता है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, ठीक है। इट अकर्स इन सेरिबेलम एंड इट कंट्रोल्स द न्यूरोनल एक्टिविटी इन सेरिबेलम। तो सेरिबेलम में होता है और इसकी क्या, न्यूरोनल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं होगा आपको, जब सेरिबेलम वाला पार्ट पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ आप चीज़ें ये याद कर लेना कि जो ग्रेन्यूल सेल्स होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं सेरिबेलम में, वो क्या करती हैं, स्टीलेट सेल्स और वास्कुलर सेल्स को क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करती हैं, जो स्टीलेट और वास्कुलर सेल हैं वो गावा रिलीज करवा के प्रोकैम्बियम सेल को क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं पहले से। तो ये कौन करवाता है अपन का, फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन में सेरिबेलम में होता है। वैसे आपको यहाँ पे ये क्लियर नहीं होने वाला तो मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा देता हूँ कि जी से ग्रेन्यूल सेल से हो गया गार्डन, जो गार्डन है कहाँ का, बस स्टैंड का, बस स्टैंड का जो गार्डन है वो कैसा फील होता है अपन को, पार्क जैसा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोग इसका इसको याद कर सकते हैं। फिर होता है अपन का सब एंड में रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इट इज़ ड्यू टू रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल का मतलब कहलाता है अपन की, अगर एक टाइप की मसल एक्टिव है तो दूसरे टाइप की मसल इनएक्टिव हो जाती है। जैसे अपन के हैंड में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होती हैं, वो एंटागोनिस्ट मसल हैं, अगर बाइसेप्स एक्टिव है तो जो ट्राइसेप है वो इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रेसिप्रोकल इनहिबिशन होता है अपने आप। इनहिबिशन ऑफ एंटागोनिस्ट मसल्स बहन अ ग्रुप ऑफ मसल आर एक्टिवेटेड इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अपन की, जो भी उसका इनहिबिशन था अपन का साइनेप्स का। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स देखें तो पांच प्रॉपर्टी अपन को यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहले होती है वन वे कंडक्शन। वन वे कंडक्शन मतलब हमेशा एक ही डायरेक्शन में, एक एग्जॉन से दूसरे एग्जॉन की तरफ ही सेंड की जाती है, ठीक है। वन वे कंडक्शन होता है, इसको बोलते हैं वॉल वेगेंडी लॉ। फिर होता है साइनेप्टिक डिले। साइनेप्टिक डिले इस वजह से होता है क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, फिर एक से दूसरे मेम्ब्रेन पे भी चैनल ओपन होने, तो इस तरह से कुछ डिले भी होता है, इसको बोलते हैं अपन लोग साइनेप्टिक डिले। कोई कुछ टाइम लग जाता है सिग्नल ट्रांसमिशन में साइनेप्स से, ठीक है। फिर फटिग, फटिग थकान होती है। थकान इस तरह से इसमें होती है कि न्यूरोट्रांसमीटर डिप्लीशन होने लगा, बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था तो पोस्ट जो फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर जमने लगा, तो इस वजह से क्या होता है, अच्छे से अपन के इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, इसको क्या बोलते हैं, फटिग बोल देते हैं, ठीक है। फिर समेशन, समेशन मतलब अगर एक स्टिमुलस, एक ट्रांसमिशन हो रहा था उसी के साथ अपन ने फिर से एक और स्टिमुलस दे दिया तो क्या होता है, और ट्रांसमिशन बढ़ जाता है, मतलब एक के साथ दूसरा जुड़ जाता है, तो जुड़ने को क्या बोलते हैं अपन लोग, समेशन। और सबसे एंड में होती है अपन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किस तरह से होती है वो देखते हैं अपन लोग, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल का किस तरह से डेवलप होता है वो वगैरह। ये सबसे पहले अपन देखेंगे वन वे कंडक्शन, इसको क्या बोलते हैं अपन, वेल मैगेंडी लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस तो अपन देखने वाले हैं वन वे कंडक्शन या वेल मैगेंडी लॉ। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड ओनली इन वन डायरेक्शन इन साइनेप्स। तो एक ही डायरेक्शन में भेजे जाते हैं, जो कि क्या होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, कभी भी इसका रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो
तो ये एक ही डायरेक्शन में होता है या फिर। तो अब अपन देखते हैं साइनेप्टिक डिले। साइनेप्टिक डिले जो होता है 0.02 से 0.5 मिली सेकेंड तक हो सकता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है फिर साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, फिर तो उसका ट्रांसफर जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें पैसेज हो रहा है, पैसेज होने के बाद फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आने चैनल भी ओपन कराने हैं। इस तरह से क्या होती है, तीन एक्टिविटी की वजह से क्या हो जाता है, इम्पल्स का डिले हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन साइनेप्टिक डिले। इट इज़ शॉर्ट डिले अकर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स वाई साइनेप्स। इट इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, मूवमेंट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड एक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर टू ओपन आयनिक चैनल्स इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इसकी वजह से अपन का क्या होता है, साइनेप्टिक डिले होता है। ये एक्स्ट्रा लाइन अपन याद कर सकते हैं, इट इज़ ड्यू टू रिएक्शन टाइम ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी की रिएक्शन टाइम की वजह से ही साइनेप्टिक डिले होता है। करना हो याद कर सकते हैं, बस वो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने लिख दी, ठीक है। फिर फतेक, फतेक क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन जो होती है वो डिप्लीशन की वजह से क्या हो जाता है, अपन का इम्पल्स का ट्रांसमिशन कम हो जाता है, तो ये क्या फतेक, इसको थकान भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर सबसे एंड में क्या होता है, समेशन। तो समेशन में क्या होता है, अपन का जुड़ जाना। तो इसका इट इज़ फ्यूजन और एग्रीगेशन ऑफ मैनी सिमिलर इम्पल्स और स्टिमुलाई। तो एग्रीगेशन ऑफ मतलब जुड़ जाना बहुत सारे सिमिलर इम्पल्स का क्या कहलाता है, समेशन। सिंगल इम्पल्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स इन द साइनेप्स बट मैनी इम्पल्स कैन कलेक्टिवली कॉज रिस्पॉन्स। तो बहुत एक सिंगल इम्पल्स क्या करता, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन बार बार जब बहुत सारे इम्पल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो कलेक्टिवली मतलब आपस में जुड़ के क्या करते हैं, एक बड़ा सा रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, समेशन भी रिक्वायर्ड होता है। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है इसमें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी याद, साइनेप्स की क्या होती है, ईपीएसपी एंड आईपीएसपी, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एंड इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये जो डेवलप होते हैं कब, जब आयनिक जो सोडियम या पोटेशियम अंदर बाहर होने लगती हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये रहा अपन का साइनेप्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो और अपने अपने मेडिकल ग्रुप में भेजें ताकि सबको फिजियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड हो पाएँ। आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप लिख के आते हैं तो आपको सफिशेंट नंबर आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।